परमात्मा के दर्शन पूजा, गुरु भगवंतों को वंदन, बड़ों का आदर, नीतिमत्ता से व्यापार जैसे नियमों का पालन हमें इसी धरती पर स्वर्ग के आनंद की अनुभूति कराते हैं। चतुर्थ सिद्धांत, मिशन ऑफ लिबर्टी। जैन धर्म में 2600 से अधिक वर्ष पूर्ण से चलती आ रही है श्रमण श्रमणी भगवंतों की परंपरा। प्रभु महावीर द्वारा बताए गए इस संयम जीवन की अंतिम मंजिल है मोक्ष अवस्था, यानी परम शाश्वत आनंद। किंतु मोक्ष प्राप्ति के लिए परमात्मा महावीर द्वारा बताया गया दीक्षा जीवन का मार्ग बड़ा ही कठिन है। जैन साधु साध्वी जीवन भर वाहन का उपयोग ना करके पैदल ही विचरण करते हैं। वे सिर्फ एक श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दीक्षा ग्रहण करते ही वे अपने सांसारिक सुख सुविधा और स्वजनों का परित्याग करते हैं और वेश परिवर्तन के साथ नाम परिवर्तन भी करते हैं। जैन श्रमण श्रमणी अपने पास पैसे नहीं रखते, घर घर जाकर भिक्षा ग्रहण कर अपना जीवन जीते हैं। क्या आप जानते हैं जैन श्रमण श्रमणी प्रति 6 माह में अपने केश लुंचन करते हैं, यानी अपने बालों को खींच कर निकालते हैं। जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधु साध्वी विजातीय को स्पर्श तक नहीं करते। अहो, क्या अद्भुत संयम जीवन है। और तो और वे कोई भी इलेक्ट्रिक चीजों का उपयोग भी नहीं करते। आजीवन रात्रि भोजन का त्याग करने वाले जैन श्रमण श्रमणी अपना जीवन शास्त्र अभ्यास, गुरु भगवंत की सेवा, त्याग, उपसर्गों को सहन करते हुए बिना किसी सुख सुविधा के भी परम आत्मिक सुख की अनुभूति करते हैं। वर्तमान समय में जैन श्रमण श्रमणी जैन धर्म की एक और आगवी विशेषता है, पंचम सिद्धांत, ओशियन ऑफ लिटरेचर, जैन धर्म की ज्ञान संपदा। आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व परमात्मा महावीर ने 12.5 वर्ष साधना करके केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी और परमात्मा ने इस जगत का संपूर्ण वास्तविक स्वरूप निहारा और 30 वर्ष तक प्रतिदिन 6 घंटे 2 प्रहर इस जगत के समक्ष विश्व का स्वरूप एवं अन्य अनेक तत्व प्रकट किए। प्रभु के उपदेश को गौतम स्वामी आदि 11 गणधरों ने 14 पूर्वों में ग्रंथित किया। प्रभु महावीर के मोक्षगमन बाद सैकड़ों वर्षों ज्ञान परंपरा गुरु मुख से प्राप्त होती रही। कभी इस ज्ञान को अक्षर देह देकर कागज पर आलेखित नहीं किया गया, लेकिन प्रभु निर्माण के 720 वर्ष बाद आचार्यों भगवंतों ने महसूस किया कि साधु भगवंतों की स्मृति कमजोर होती जा रही है और उन्होंने प्रभु के उपदेश को ग्रंथों में आलेखित करने का निर्णय ले लिया। विक्रम संवत 511 में वल्लभीपुर में पूज्यपाद देवर द्विगण क्षमाश्रमण के नेतृत्व में 500 आचार्य भगवंतों ने आपस में चर्चा विचारणा करके प्रभु वचनों को लिपिबद्ध किया। तब श्रुत 45 आगमों में संकलित हुआ।
विद्वान सूर्य भगवंतों ने इन 45 आगमों पर आवंत विस्तृत एवं ज्ञान प्रदायी ग्रंथ आलेखित किए। पूज्य हरिभद्र सूरी जी महाराज साहिब ने 1444 ग्रंथों की रचना करके जीन शासन को उपहार दिया। तो बाल्यवय में दीक्षित कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी जी महाराज ने अपने जीवन काल में 3.5 करोड़ श्लोकों का सर्जन किया। इसी श्रुति परंपरा के लगभग 400 वर्ष पूर्व हुए महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहेब ने नए 108 ग्रंथों की रचना की तथा उपाध्याय विनय विजय जी महाराज जैसे परम विद्वान मुनि भगवंतों ने अनेकानेक ग्रंथों की रचना करके समृद्ध बनाया। इसी श्रृंखला बंध में एक नाम है सिद्धांत महोदधि पूज्यपाद प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहेब, जिन्होंने कर्म सिद्धांत पर अपने शिष्य वृंद के साथ लाखों श्लोकों का विवेचन कर जिन शासन को अनमोल उपहार दिया। इसी परंपरा का अगला नाम है वर्धमान तपोनिधि पूज्यपाद भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहेब, जिन्होंने जैन धर्म के जटिल विषयों पर अत्यंत सरल शैली में हजारों पृष्ठों का विवेचन करके तत्वों को लोकग्राह्य बनाया। आगे जानते हैं सिद्धांत दिवाकर पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री जय घोष सुरेश्वर जी महाराजा के विषय में, जिन्हें मोबाइल लाइब्रेरी का प्यारा सा नाम मिला है। 45 आगम उन्हें इस प्रकार कंठस्थ थे कि साधु किसी भी विषय का प्रश्न लेकर उनके पास जाते थे तब वे किस आगम अथवा किस ग्रंथ के कौन से प्रकरण में किस पन्ने के कितनी लाइन में इस प्रश्न का उत्तर है वह 1 मिनट में बता देते थे। और इसी उज्जवल परंपरा का सुवर्ण पृष्ठ है सरस्वती लक्ष्मी प्रसाद, राज प्रतिबोधक आचार्य भगवंत श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहेब, गाड छे नो शब्द ना इतिहास ना ए प्रारंभ नो शंख ना पूज्य गुरुदेव पिछले 45 वर्षों से साहित्य सर्जन करते आए और आज गुरुदेव लिखित साहित्य ग्रंथों की संख्या 400वें यशस्वी शिखर को स्पर्श करने जा रहा है। गुरुदेव की कलम में पारिवारिक समस्या, आध्यात्मिक समस्या, मानसिक अस्वस्थता, आत्मिक उत्थान, आगम प्रेरित अंतर शत्रु पर विजय, क्रिकेट, कंप्यूटर, मोबाइल आदि लगभग 75 से अधिक विषयों को आध्यात्मिक संदर्भ में बखूबी आलेखित किया गया है। 11 भाषाओं में प्रकाशित गुरुदेव श्री की पुस्तकों ने लोगों के अंतर्मन को छूकर उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का आगाज किया है। उनके पुस्तकों के पठन से हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के जीवन में पारिवारिक सौहार्य, सकारात्मकता, आत्मिक उत्थान, प्रेम और प्रसन्नता का अनुभव उन्होंने किया है और हजारों साधु साध्वी संयम में स्थिर हुए हैं। आज तक पूज्य गुरुदेव श्री की पुस्तकों की लगभग 80 लाख से अधिक प्रतियों को अपने घर में स्थान देकर वाचक वर्ग ने उन्हें अकल्पनीय प्रतिसाद दिया है। गुरुदेव श्री की किताब जीवन की राह बताती है, हमारे ही भीतर छिपे आत्मिक सुख से हमें आगाह करती है, भटके हुओं को सन्मार्ग दिखाती है। आइए
पूज्य श्री लिखित 400वीं पुस्तक के लोकार्पण अवसर पर गुरुदेव श्री ने साहित्य सर्जन करके हम पर जो असीम उपकार किया है उसके लिए हम नतमस्तक होकर उनके चरणों में कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करें। आस्पर्श छे गुरु भक्ति नो सूर्य रत्न सुंदरनी शक्ति।